रहे हो भाई, चार्ज हो गया लगता है। अरे भाई साहब बज गया। ओ भाई हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग 600 आई राइडर में आप सभी का स्वागत है। तो रोम रोम भाइयों, तो आज की शुरुआत होती है व्लॉग से अपनी। हमने बाइक में कुछ चेंजेस कराए, वो है ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, मतलब जो भी है वो मेन चेंजेस है वो है एग्जॉस्ट। तो हमने ये बाइक में एक्रोपोविक का एग्जॉस्ट लगा दिया है क्योंकि एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और इतना लाउड हम नहीं चला सकते एरिया में। तो इसमें कैसा डीबी किलर इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे डीबी किलर लग जाता है और बाइक की आवाज़ हो जाती है एकदम ज़ीरो। अभी एग्जॉस्ट जो है फुल गर्म है और मैं एक छोटे से स्पिन के लिए आया हूँ, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना देते और गाड़ी की आवाज़ आप लोगों को सुनाता हूँ, आवाज़ कैसी है और ये एग्जॉस्ट के साथ कैसी आवाज़ आ रही है। और बहुत जल्द इसमें ऐसा एग्जॉस्ट लगने वाला है जो ना ही किसी ने आज तक लगाया होगा, इतना महंगा एग्जॉस्ट, और ना ही किसी ने सोचा भी होगा। अब पता नहीं आवाज़ कैसी आएगी उसकी, हम इसमें लगाने वाले अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि गाइस मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो जो मज़ा आने वाला है ना वो एग्जॉस्ट में, अब पता नहीं आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। तो पहले सबसे पहले बाइक को ऑन करके बताता हूँ और बाइक की आवाज़ सुनाता हूँ आप लोगों को। तो ये बाइक की आइडल साउंड, और आइडल साउंड बिल्कुल भी इसमें नहीं है क्योंकि एक्रोपोविक लॉन्ग कैन है और उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। जब तक एक आरपीएम टच नहीं करती बाइक, 5 to 6,000 आरपीएम टच हो जाती है और फिर जो बाइक में ये आवाज़ आती है भाई साहब क्रेजी। और जो रिएक्शंस मिलते हैं ना, इनलाइन 4 से इनलाइन 2 पे आ गए, लेकिन इनलाइन 2 का जो आवाज़ है भाई एक अलग ही फैंटेसी है। इसका आवाज़ आप लोगों को सुनाता हूँ फुल आरपीएम पे। ये मैंने जो अभी आपको सुना है वो 7 to 8,000 आरपीएम पे था, अभी फुल इसमें जो 14,000 आरपीएम का मीटर है उसका आपको आवाज़ सुनाएंगे। तो आवाज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो। गाइस 20K की फैमिली है हमारी। तो मैं अभी हूँ हाईवे पे इसलिए इतना आवाज़ कर रहा हूँ और पाँव पे हमें लग चुके हैं मजबूत वाला चटका। बैंड पाइप पे मैं टच हो गया और यहाँ पे झाड़ पे लगा हुआ छोटा सा कीड़ा लटक रहा है। तो चलो हाईवे पे टेस्ट करते हैं कि कितने थाउजेंड आरपीएम के बाद इसकी आवाज़ जो है आप लोगों को अच्छी लगती है। तो 5 to 6,000 to 7,000 आरपीएम तक कुछ नहीं है, जैसे उसके ऊपर जाएंगे। तो एक साउंड का जो ब्लास्ट है भाई साहब एकदम गंदा वाला आवाज़ है। एक टाइम के लिए हमें भी डर लग जाता है सिग्नल्स पे, हम बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। तो अभी सिग्नल बंद है, जैसे सिग्नल क्रॉस होगा आपको इसका मैं 7,000 आरपीएम के ऊपर वाला जो साउंड है वो सुनाऊंगा और होप करता हूँ साउंड आपको अच्छा ही लगेगा। तो इंडिया में सिग्नल ओपन होने के बाद भी ये हालत होती है, मतलब जब तक लाइन चल रही है तब तक ये लोग रुकते नहीं। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे नाकाबंदी नहीं है। और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि जो हवा लग रही है वो एकदम गर्मा गर्म हवा आ रही है। तो चलो एक 7 to 8,000 आरपीएम के ऊपर चलाते और आप लोग मेरे को बताना आवाज़ आपको कैसा लगा।
में भी दोस्तों इतनी ट्रैफिक होती है भाई, क्या गाड़ी चलाएंगे। इसलिए संडे को राइडर्स मॉर्निंग में लोनावाला साइड या औरा साइड जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं होती, लेकिन मॉर्निंग के बाद जो संडे में भी ट्रैफिक होती है वो मज़ा नहीं आता चलाने। तो मेरे पास ग्लव्स भी है, मैंने कैरी किया, लेकिन ग्लव्स पता नहीं कैसे अभी छोटे हो गए, मतलब अपने हाथ जो है बड़े बड़े हो गए तो ग्लव्स छोटे पड़ने लग गए और इतने ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहे कि हाथ में चुभ रहे, सो मैंने वेयर नहीं किया, ग्लव्स मेरे बैग में ही है। पटाखे देख रहे हो, देखने जाएंगे तो 130, 140, 150 तो स्पीड कम पड़ जाती है। पता है ऑलवेज एक ही स्ट्रेच नहीं लेते, लेकिन ये तो एकदम आराम से चली जाती है और प्लस एक आरपीएम एक टाइम पे कम पड़ जाता है। देख रहे हो भाई चार्ज हो गया लगता है, अरे भाई साहब बच गया, ओ भाई। जो होंडा सिटी वाला चार्ज हुआ है ना भाई, देख रहे हो, देखो देख रहा है मिरर में भाई, देख रहे हो, पता ही नहीं चलता आवाज में कितनी स्पीड पे चल रही है। और जहां तक मेरी आदत है मैं मीटर देखता ही नहीं, बस एक अंदाज से चलाता हूं। कितनी स्पीड है क्या है जल्दी मुझे लेना देना नहीं, लेकिन जो बाइक को चलाने के मजे है ना भाई, जब RPM 14,000 पे पहुंचता है ना भाई साहब, क्या फील आता है, क्या फील आता है। तो जब भी कोई पुलिस की वैन या कोई ऐसा गाड़ी आ जाती है आजू बाजू में तो मैं क्लच पकड़ लेता हूँ भाई, अपने साइड से एकदम सेफ रहता हूँ।
40,000 RPM वाली कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहले वाले ब्लॉग में आपने आवाज़ तो देखा रहेगा, तो वो वाला आवाज़ अच्छा था SC प्रोजेक्ट वाला, या ये वाला आवाज़ अच्छा लगा आप लोगों को एक्रोपविक का, तो कमेंट ज़रूर करना गाइस। कमेंट नहीं करते हो बिंदास कमेंट किया करो, और इतना अच्छा वाला एग्जॉस्ट लगाने वाले इसमें कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा खुश। और ना ही किसी ने आज तक बेनेली 300 में वो एग्जॉस्ट लगाया होगा, और ना ही लगाने का सोचा होगा, वो एग्जॉस्ट लगने वाला है। तो गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसा ही प्यार बनाते रहो। बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।